أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिश्रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी व हलू अल उक्द लिसानी يفقه قولی आमीन या رب العالمين पिछली नशिस्त में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक खास मुआजिजत था, यानी सबसे बड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है जैसा कि आप और हम हमेशा से सुनते आए हैं लेकिन मैं उन मानों में बात नहीं कर रहा बल्कि जो सुपर नेचुरल इंसिडेंट सलाम के जरिए से जिनका जहूर होता है उन मुआवजों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनंट मुआवजे में से एक मुआवजा ये है कि रसूलुल्लाह वसम के जरिए कमर का वाक़ आपकी उंगली मुबारक के जरिए कमर का वाक़ शादिर हुआ था और मैंने बहुत तफसील से आपको बताया था कि रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि कमर का वाक़ जो है स्प्लिटिंग ऑफ मून का जो जाक़ा है वो तवातुर की हद तक रिपोर्टेड है रसूल वसम के ज़माने से ले कर यानी हर ज़माने तक और ख़ालस हदीस की इस में भी बात की जाए तो भी सहाबा व तबइन के दौर में बहुत कसरत से जो है मरवियात मिलती हैं जो कमर के वाक़े को डिस्क्राइब करती हैं फिर मैंने आपके सामने तफसली तौर पर उन सहबा का और उन तबइन का नाम लिखा था बयान किया था जिन्होंने फ़र्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में बहुत कसरत से जो है इस वाक़े को अलग अलग अल्फाज के थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ जो है बयान किया तो इससे भी इस वाके की ऑथेंटिसिटी जो है वो रिवायत के पैमाने से अगर देखी जाए तो प्रॉपरली साबित होती है और किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए उस पर से कुर मजीद में नसुस कतईयी से साबित है के शकुल कमर का वाक रसूल के जरिए मक्के के अंदर जो हुआ है तो अब इसमें जो शख्स शक करता है या जो इसमें जो है यानी डाउट करिएट करता है या जो यानी तरह तरह की तावीलात के जरिए जो है इस वाक़े को ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये वाक़ा नहीं हुआ या ये, ये वाक़ पॉसिबल नहीं है तो वो कितना बड़ा मुजरिम है उससे इससे समझ लीजिए कि जैसा कि अनवर शाह कश्मीरी बहुत बड़े इमाम हैं वो अपनी किताब एक फार्मिहिदीन में फ़रमाते हैं कि जो चीज़ें रसूल वसम के दौर से लेके आज तक तवातुर के साथ मनकूल हुई हैं यानी बहुत कसरत से साहबा तबइन ने हर और फिर उनके बाद हर जनरेशन में बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने उन वाक़ को नरेट किया है जो उसकी ओथेंटिसिटी का सबूत हैं अहादीस के तमाम बड़े ख़ीरे यानी जो हैं उनके अंदर उन वाकयात को बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है तो जो शख्स इस कस्म की यानी ज़रूरी अमूर का इनकार करता है तो उस पर जो है वो कुफर का हुक्म लगेगा हाँ एक यानी चंद बातें ऐसी हैं दीन के अंदर जो मुबहम हैं जो उतनी वाजह नहीं होती आवाम के ऊपर जिन वाकयात को उतनी कसरत से नकल नहीं किया गया है रसूल वसम के दौर से लेके आज तक तो उसका अगर कोई इनकार करता है तो उसमें फिर तावील का उज़्र दिया जा सकता है लेकिन ऐसे वाक़ात या ऐसी चीजें जैसे मिसाल के तौर पे जो शख्स नमाज की फर्जियत का मुनकर हो जाए मुनकर हो जाए तो अब नमाज की फर्जियत का मुनकर होगा तो गोया है उसने रसूलुल्लाह रसूल के दौर से लेके आज तक किताब से सुन्नत से सहाबा राम की मरवियात से ताबइन की मरवियात से अम्मा की मरवियात से और हर दौर में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रिवायत की हुई हकीकत का इनकार करता है तो उस पर कुफ्र का हुक्म जो है बहुत आसानी से लग जाएगा लेकिन कोई शख्स किसी ऐसी चीज का इनकार करता है जो उतनी क्लियर नहीं है दिन और शरीयत के अंदर तो फिर उस पर हुक्म जो है डायरेक्टली नहीं लगता बल्कि उसके लिए फिर यानी मुख्तलिफ कंडीशंस देखी जाती हैं तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जदीद दौर में जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ मून शक्ल कमर के वाक पे बाज जदीद फिक्र से मुता जो हैं वो डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं है ना तो इस पर स्ट्रेस सिर्फ इसलिए देना था और इस पर उस वक्त भी हमने स्ट्रेस इसलिए दिया था ताकि ये बात आपके जहनों पर वादा हो जाए कि इस कस्म के इश्कालत के इस कस्म के डाउट्स की कोई हैसियत है, तो दीन व शरीयत में नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो जब ये शक्ल कमर का वाक़ हो गया और मैं कंटिन्यूशन से चंद चार पाँच चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि हिजरत हबशा के बाद से क्रैश को मुसलसल सेटबैक्स का सामना जो है रसूल वसम की दावत के मुकाबले में करना पड़ रहा अच्छा ये सेटबैक्स कैसे थे ये सेटबैक्स ऐसे नहीं थे कि कुरैश के जुल्म से तम में कोई कमी आ गई थी या कुरैश के हाथ बंद गए थे नहीं लेकिन रसूलुल्लाह सम की दावत जो कि एक छोटी दावती चिंगारी थी जिसको कुरैश जो एक बहुत ही लोकल फेनोमेना समझते थे और बहुत छोटी चीज़ तस्वुर करते थे वो रोज़ बरोज़ बढ़ते बढ़ते साहब अक्राम की तादाद और इस दावत की क़ुत इतनी बढ़ती जा रही थी कि अब कुरैश जो है वो पीस और मस यानी सुलह के दर पे हो गए थे जहाँ एक तरफ उनको अपर हैंड हासिल था वो हमेशा ऐसा तस्वुर करते थे अपने अपने हिसाब से वो सोचते थे कि क़वत और ताकत के ज़ोर पे इस दावत को ख़त्म कर दिया जाएगा अब जब ये बात नहीं उनको यानी महसूस हो गया कि इस दावत को महज क़ुत के ज़ोर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता तो अब उन्होंने जो है सुलह का, का काम शुरू किया और सुलह में सबसे पहला जो उन्होंने काम शुरू किया था जब यानी जो इनडायरेक्टली एक तरह से उनकी उनका अपनी हार को तस्लीम कर लेना था वो ये था कि हजरत हबशा जब मुसलमानों ने की बहुत बड़ी तादाद में दूसरी हिजरत हबशा की बात कर रहा हूँ 83 84 मुसलमानों ने हिजरत की तो वहाँ से जब क्रैश का वफद उनको वापस लाने गया तो नजाशी से बेहतरीन जान पहचान के बावजूद नजाशी के कोर्ट में नजाशी के सामने जो है क्रैश अपनी दलायल मजबूती से नहीं रख सके और हजरत जाफर ने बेहतरीन तकरीर की जिससे नजाशी और वहाँ के यानी हबशा वाले बड़े मुतासर हुए उसकी तफसीत आ चुकी उसके बाद दूसरा एक इशू ये हुआ कि हजरत हबशा के बाद क्रैश के हर घर आने से कोई ना कोई फ़र्द था जो मक्के से निकल के जो है वो हबशा चला गया था और रसूल समी मान लिया गया तो ये भी क्रैश के बड़े बड़े सरदारों के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा था इसके बाद जब हमज़ा और उमर रजीलम ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो भी एक कुरैश को बहुत बड़ा धक्का महसूस हुआ कि दो पावरफुल हस्तियाँ जो हैं वो अब सम के की अतात को आपली वसम की दावत को कबूल कर चुकी थी फिर तीसरी बात ये हुई कि उतबा वगैरह जब यानी रसूल से मसालहत करने गए और पीस करने गए प्रपोज़ल्स रखा तो आप सल्ला व् दो टुक अंदाज़ में उनके प्रपोजल्स को रद्द कर दिया उसके बाद कुरेश का दूसरा वफद जो रसोसम की खिदमत में हाजिर हुआ उन्होंने अपने प्रपोजल्स रखे शिरक और तोहेद के माबे एक दरमियान की कोई चीज़ जो है बनाने की कोशिश की तो उसका भी दो टुक जवाब जो है रसोसम दिया और नाजिल हुई और उसकी तफसी आ चुकी गोया वो, वो भी एक तरह से फेल्ड वेंचर रहा कुरैश का आगे बढ़ते हैं फिर शक्मर का वाक्य हो गया जिसके नतीजे में अगरचिन लोगों ने तलब किया था ये मुआवजा वो ईमान नहीं लाए इस मुआवजे के बावजूद लेकिन क्रैश की आवाम पे रसूल वसल्लम का एक जबरदस्त धाक और रोब जो है वो कायम हो गया और बहुत बड़ी तादाद में कुरैश के लोगों ने दिल ही दिल में कम से कम ये बात तस्लीम कर लिया कि ये कोई जादू नहीं था जो मोहम्मद ने दिखाया बल्कि ये तो बाहर से आने वाले कबायल भी इस बात की शहादत दे रहे हैं कि वाकई ये चीज़ें हमने देखी तो आफाकी सतह पे यानी यानी मोहम्मद का असर सिर्फ मक्के की चार दीवारियों वादियों के दरमियान नहीं है बल्कि आफाकी सतह पे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जोरदार हस्ती हैं ठीक है इस इस बात का कहीं ना कहीं एहसास कुरैश के दिल में बैठ गया जाता तो हिम्मतें जरा पस्त हो गई कुरैश उसके बाद भी रसूलुल्लाह रसोलम की दावत चलती रही और साहबाकराम की तादाद जब बढ़ती रही तो कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इस बात को समझ लिया कि हम सारी कोशिश के बावजूद जब तक मोहम्मद को अबू तालिब की प्रोटेक्शन हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक हम मोहम्मद को हकीकतन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते अरब का जो कबाइली स्ट्रक्चर था उसमें कबीले के लीडर की प्रोटेक्शन एक अहम यानी यू कह लीजिए कि इंटरनली बड़ी अहमियत के हामिल थे उसमें भी अबू तालिब बड़े यानीदार शख्स थे मक्का के अंदर तो जाहिर है कि अबू तालिब की प्रोटेक्शन की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकान कुरैश कोई नुकसान नहीं यानी यानी छोटी छोटी आप यानी वाकयात आपने पहले पढ़े हैं अबू जहल के जरिए हो उतबा के जरिए हो उमैया बिन खल के जरिए और बहुत सारे वाकयात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई बाद दफ़ा अल्लाह ताला ने तीती तौर पर प्रोटेक्ट किया बाद दफ़ा जो है वो अबू बकर सिद्दीक वगैरह के ज़रिए अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करवाया बाद दफ़ा ज़ुबैर बिनला के जरिए प्रोटेक्ट करवाया तो ये यानी इस तरह से मामला रहे हैं लेकिन एक जिसको कहते हैं फुल फ्लिजड वे में रसूल वसम के ख़ात्मे की हिम्मत और इस दावत को बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा देने की हिम्मत कुरैश के अंदर नहीं थी अबू तालिब के ज़ोर की वजह से अबू तालिब की पर्सनैलिटी की वजह से और उनके प्रोटेक्शन की वजह से और हम जानते हैं कि अबू तालिब ने रसूल वसम की बड़ी प्रोटेक्शन की है यहाँ तक कि यानी अगर आप अहदीत पे और जो सीरत के वाक़ गौर से पढ़ेंगे तो अबू तालिब जो है रसूल वसम को मोहम्मद नहीं कहते थे हालांकि वो चचा थे वो मोहम्मद कह सकते थे और वो ईमान भी नहीं लाए थे वो तब भी वो रसूल्ला ही कहते थे यानी अगर आप ए, बहुत से वाकयात हैं जिसमें अबू तालिब ने रसूल वसम को रसूल वसम कह के एड्रेस किया जो कि बड़ी बात है ना एक एक, इंसान है जो अभी जो शिरक पे है जो कुफर पे है जो अब्दुल अब्दुलमतब के दीन पे है और रसूल को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और फिर रसूल वसम को रसूल कह रहा है यानी रसूल्ला कह रहा है बल्कि बाद में आता है कि जब अबू तालिब ने बनु हाशिम को जमा किया है और बनु मुतलब को जमा किया है तो कहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वे बिल्कुल ये अल्फाज हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ में अपने बेटों की लाशें बिछा देंगे तो आप ये यानी इस लेवल ऑफ डेडिकेशन इस लेवल ऑफ मोहब्बत जो थी रसूल रसोसम से और इस लेवल ऑफ यानी कन्विक्शन था कि हर किस्म के नुकसान को हम रसूल के तज़ीम के लिए रसूल के प्रोटेक्शन के लिए है, जो है वो कर देंगे तो ये बिल्कुल अपने आप में यानी एक रेयर बात है ऐसा आप किसी गैर ईमान वाले के अंदर इस तरह की अहमियत और इस तरह का प्रोटेक्शन आप नहीं देखेंगे बिल्कुल यानी कह लीजिए कि के एक्सेप्शनल केस अबू तालिब ने रसुल के साथ जो है वो शो किया तो इस तरह का प्रोटेक्शन हासिल था और बड़े सीनियर थे तकरीबन उम्र जो है पचहत्तर से अस्सी के आसपास थी इनकी उस वक्त तो सीनी की अपनी अहमियत थी कुरैश के और उस पूरे ट्राइबल स्ट्रक्चर में तो कुरैश ने ये डिसाइड किया जो बड़े बड़े लीडर्स थे कुरैश के उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक अब तलेब अपना हाथ नहीं हटाते मोहम्मद पे से तो हम मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ठीक है तो अब या तो हम अबू तालिब को जाके पहले कन्विंस करते हैं कि आप ख़ुद मोहम्मद को रोकें चलिए हमने तो बहुत सारे प्रपोज़ल्स रखे हमने जो है म सेम भी किया हम हर तरह से जो है यानी जितनी तरीके हो सकते थे अपनाए जा सकते थे कुरैश ने साहबा कराम पर म किया कमज़ोर साहबा पे फ़िज़िकल म किया जो मजबूत साहबा थे उन पर फ़िज़िकल ई किया दूसरे अंदाज़ में म किया रसुल रस फिज़िकल अटैक्स हुए मख्तलि तरीक़े से जो है वो डिप्लोमेटिक वे में आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई आपको मुख्तलिफ़ प्रोपोजल्स दिए गए कि आप अपनी दावत में ज़रा ढीले पड़ जाएँ सारी तफसीलात आ चुकी। तो ये सारी बात समझने के बाद लिहाजा वो, वो तो चलो अब कन्विंस करते हैं कि आप जो है वो मोहम्मद को रोक दीजिए तो असल मैं आपको बता दू की टोटल जो है कुरश तीन दफा अबू तालिब के पास आए ठीक है डिफरेंट यानी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यानी चार पाँच महीने के अंदर जो है तीन दफ़ा रसूल अबू तालिब की खिदमत में जो है कुरैश हाज़िर हुए उनके बड़े बड़े लीडर्स हाज़िर हुए हैं और चौथी दफ़े तब हाज़िर हुए जब अबू तालिब का इंतकाल होने वाला था ये बाद में होगा ये यानी ये, ये अभी कब अभी की बात नहीं है जो बनो हाशिम का बाकॉट होगा और बाइकआउट जब ख़त्म होगा तो उसके बाद अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आएगा तो फिर उस वक्त भी हाजिर यानी गोया कि रसूल वसम के केस को ले के क्रैश का वफद जो है अबू तालिब के पास टोटल टोटली चार बार गया तीन का भी हम जिक्र आपके सामने करेंगे एक हम अभी बयान नहीं करेंगे वो तब बयान करेंगे जब उसका मौका आएगा ठीक है तो सबसे पहले तो पहला वफद जब अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का हाजिर हुआ तो यानी जाहिर है कि जब इंसान पहली बार जाता है प्रपोजल लेके तो अंदाज जरा डिप्लोमेटिक होता है अंदाज थोड़ा नरम होता है तो कुरैश ने बातें रखी कि देखिए मोहम्मद जो है हमारे आबाजाद के दीन के बारे में बुरी बातें कहते हैं और हमने जो है वो उनको समझाने की कोशिश की वो बात नहीं मान रहे लेकिन आप अपने कबीले के सरदार हैं आप बड़े आदमी हैं आप चाहें आप यानी आपने मोहम्मद की परवरिश की है गोया कि रसूलुल्लाह रसूल वसम को वैसे भी अबू तालिब अपना बेटा कहते थे वो भतीजा नहीं कहते थे तो कुरैश ने कहा कि वैसे भी वो आपके बेटे हैं और यानी आपकी बात मानेंगे लिहाजा आप जाएँ और आप उनसे कहें अबू तालिब ने भी जो है वो अच्छी अच्छी बात कह की यानी एक एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अंदाज़ में स्मार्ट वे में बातें करके कि हाँ ठीक है आपकी बात भी अपनी जगह सही है लेकिन वो भी जो है वो दीन का काम कर रहा है वो उस जिस चीज़ जिस चीज़ की वो दावत दे रहा है उस चीज़ पे उसका पुख्ता यकीन है लिहाजा हम उसे अपना काम करने देते हैं आप अपना यानी अपने तौर पे जो आपकी मुखालफत है उसका भी मैं पास रखता हूँ और वो सारी बातें जो है मिली मिली बातें जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही स्मार्टली उनके अटैक्स को डॉज करते हुए वो तालिब ने रवाना कर दिया कुरैश के वफद को तो पहला वफद तो चला गया जब दूसरा वफद आया है कुछ वक्त ही गुजरा कुछ ही हफ्ते गुजरे देखा कि कोई असर नहीं मोहम्मद का तौर तरीका वैसा ही है क्योंकि अबू तालिब ने इस यानी जब कुरैश का वफ़द आया था इनके पास तो अबू तालिब ने एक अच्छे तरीक़े से उनको रफ़ा दफा कर दिया था तो फिर रसूलुल्लाह से कोई बात डिस्कस नहीं की दूसरी दफ़ा जब कुरैश का वफद अबू तालिब के पास आया है तो अब इस वक्त क्या हुआ इस वक्त मामला ये हुआ कि कुरैश ने देखा कि हमने तो अबू तालिब से कहा था ये ये बातें लेकिन अबू तालिब ने लग रहा है मोहम्मद को नहीं रोका है लिहाजा दूसरी बार जब वो आए हैं तो जरा अटैकिंग मोड में आए हैं जरा गुस्से के आलम में आए हैं तालिब के सामने और कहा कि कि अबू तालिब यानी दूसरी मजलिस जो हुई है उसमें कहा कि अबू तालिब हमने आपसे कहा था कि आप अपने भतीजों को समझाएं और आपके भतीजे को मना करें कि वो हमारे आबाओ अजदाद की बुराई ना करे वो हमारे खुदाओं की बुराई ना करे ठीक है वो हमारे दीन को बुरा भला ना कहे वो हमारे तस्वुरा जो हैं हमारे जो एक स्ट्रक्चर है उस उसका मजाक ना उड़ाए तो ये चीजें तो हमने आपसे कही थी कि आप अपने भतीजे को समझाएं या फिर आप अपने जोर पे जो है अपने भतीजों को रोक दें लेकिन आपने अबू तालिब ऐसा नहीं किया लिहाजा अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर अब तालिब आप खुद मोहम्मद को नहीं रोकते तो गोया कि आप साइलेंट वे में मोहम्मद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम पूरी की पूरी कुरैश जो है वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे और आपसे जंग करेंगे यहाँ तक कि हम दोनों फरीक़ में से कोई एक फरीक हलाक हो जाएगा वो एक बड़े सख्त अंदाज में कुरैश ने कह दिया कि अबू तालिब ये आखिरी मौका है आपको आप मोहम्मद को रोकें अगर आप नहीं रोकते हैं तो समझ लीजिए कि बस यानी हम मोहम्मद को रोकने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो हम जरूरी समझेंगे और उसके नतीजे में अगर आप बीच में आएंगे तो गोया के बनु हाशिम और तमाम कुरैश के दरमियान एक जंग छिड़ जाएगी जिसके नतीजे में या तो बनो हाशम पूरे के पूरे हलाक हो जाएंगे या बाकी कुरैश के कबाइल हलाक हो जाएंगे तो ये जरा सख्त बात थी यानी आप यानी आम जो मैं आपको दो बातें बताता हूँ एक जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो इस तरह की धमकी आमेज बातें एक दूसरे के सामने नहीं कहते अनलेस मामला सही में सीरियस हो छोटे फौजी जो होते हैं ना जो फुट शोल्डर्स इनको कहा जाता है या जो छोटे लेवल के लड़ाके होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे को कहते भी हैं और करते भी हैं लेकिन जो हायर अथॉरिटी में लोग होते हैं ना वो भले बहुत कनिंग होते हैं और दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग सो मच डैमेज बट स्टिल वो अपनी बात को बड़े पोलाइट और एक डिप्लोमेटिक वे में बात रखते हैं लेकिन अगर वो बातों में बहुत सख्त हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला कोई एक्चुअल में सीवियर है तो जब कुरैश ने इतनी शदीद धमकी दी तो अबू तालिब पर थोड़ा इसका असर हो गया तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए, कि ये तो तुम्हारी कौम यानी कुरैश जो है वो हमारे पास आई थी और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं तो बेटे यानी तुम ए, अपने काम में कुछ कमी करो और ऐसा न हो कि तुम मुझे और पूरे के पूरे बनु हाशिम को जो है मुसीबत में डाल दो यानी खुद अपने ऊपर भी रहम करो मेरे ऊपर भी रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं नहीं सह सकता हूँ तो ये जब बात अबू तालिब ने कही है तो पहली बार ऐसा हुआ रसोल्ल वसम को महसूस हुआ कि अब उनके चचा जान भी जो है वो हिम्मत हार रहे हैं और यानी कि सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा रसोल वम को तकलीफ़ महसूस हुई और आप सल्ला व्लम ने एक बड़ा ही बलीग जुमला कहा बहुत ही मशहूर जुमला है कि आप ने कहा कि ए मेरे चचा ए मेरे चचा अल्ला अल्लाह की कसम لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته كي أمر يتشا أجر يلوج لو وضعوا الشمس يلوج أجر سورج كو ميرة داي هات والقمر في يساري اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اس بات کے यानी किस बात के लिए कि अन अत रुके हाजल अमर कि मैं इस चीज़ को इस काम को छोड़ दूं या, यानी अल्लाह ताला इस दीन को या तो गालिब कर देगा या मैं ये काम करते करते हलाक हो जाऊंगा इन दो अमर से पहले यानी इस मामले की तकमील से पहले मैं इस काम को छोड़ दूं और इस काम को छोड़ने के अवज़ में मुझे मेरे दाएँ हाथ में सूरज रख दिया जाए और बाएँ हाथ में चाँद रख दिया जाए तो अल्लाह की कसम मैं तब भी इसे नहीं छोड़ सकता और यह कह के जो है आप आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए क्योंकि जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की तरफ से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो जो है वो अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे तो ये पहली चीज तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि रसुल्ला ने जब ये बात कही है तो इससे दो बातें पता चलती हैं इस इस बात को देखने का दो तरीका है एक तरीका वो है जो दुनिया भर के हर दाई के लिए आइडियल है हर वो शख्स जो कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों को दावत देता है और दीन की तरफ दावत देता है और दीन के गलबे की बात करता है या दीन की तरफ लोगों को बुलाने की बात करता है उसके नुक़ नज़र से देखें तो ये बात समझ में आती है कि रसूल के अंदर इस दावत की तकमील को लेकर किस दर्जे डेडिकेशन मौजूद था क्या आप कह रहे हैं कि अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज को रख दिया जाए और बाएं हाथ में चांद को रख दिया जाए यानी एक कलाम में जोर पैदा करने के लिए बात कही गई तो भी मैं इस काम को यानी इस तबलीग को इस दावत की तकमील से पहले ये नहीं कहा कि मुकम्मल छोड़ दूं बल्कि इसकी तकमील से पहले छोड़ दूं अल्लाह के हुक्म आ जाने से पहले छोड़ दूं अल्लाह की तरफ से इशारे आ जाने से पहले छोड़ दूं तो मैं हरगिज़ नहीं कर सकता इससे तो एक चीज़ है कि रसोल वसम का इस दावत को लेके जो इंतहा लेवल का डेडिकेशन था जिस पर कुरान शाहिद है मख्तल मौके पर कुरने मजीद में आयात नाजिल होती थी रसूल के दिल की तस्किन के लिए ठीक है और ख़ुद आप आपली वसम की शख्सियत जिसका खाका अहदीस से और सीरत के वाक़ात से हमें पता चलता है वो इस बात पर शाहिद हैं कि आप आपलील्ला वसम इंतहाई हसास थे इस दावत को ले के और इंतहाई सख्ती के साथ इस पर यानी कि पाबंदी के साथ इस चीज़ पे आमिल थे कि आप किसी भी एतबार से इस दावत की तकमील में किसी भी किस्म का की कोई कमी ना करें चाहे उसके अवैध आपको कोई भी नुकसान उठाना पड़े तो ये तो एक एक पहलू तो इसका ये है कि ये रसूलुल्लाह रसूल वसम की इस दावत को लेके इंतहा लेवल के डेडिकेशन को शो कर रहा है एक बात दूसरा पहलू इसी इसी स्टेटमेंट से दूसरा पहलू ये पता चलता है जो कि जरा सटल है लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है कि अम्बिया और रसुल यानी अल्लाह के नबी जो हुआ करते हैं या अल्लाह के रसूल जो हुआ करते हैं वो अल्लाह की तरफ से जिस काम पे मामूर होते हैं जिस काम के लिए उनको भेजा जा, गया होता है उस काम को छोड़ना अगर वो अपनी जात से भी चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते यानी अंबिया और रसुल के ऊपर इस किस्म की जिम्मेदारी इस किस्म का बार उनके सीनों के ऊपर होता है उनके कंधों के ऊपर होता है कि अगर वो चाह लें इस बार को उतार के फेंक दें तो भी मुमकिन नहीं होता यानी ये रसूलों के ऊपर और सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से डाली हुई जिम्मेदारी का कुछ इस तरह बोझ होता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती कि मैं इस मामले में ये फैसला कर लू मैं इस मामले में जो है इस दावत में कुछ वक्त के लिए थोड़ी कमी कर दू है ना इस मामले में इस दावत को कुछ वक्त के लिए किसी दूसरे नहज पे चला दू क्योंकि अल्लाह ताला के ने नेमाम हजत के लिए अम्बे और रसूल भेजे होते हैं और अम्बे और रसूल अपनी ज़ात से चाह के भी उस दावत में कमी नहीं कर सकते लिहाजा कुरान मजीद इस बात की शाहिद है कि अल्लाह ताला फरमाता है मफहूम आयत ये कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात कह दें है ना या उस बात को ना पहुंचाएं जो इनकी तरफ भेजी गई है तो अनकरीब हम इनका इनकी जो रग है ना यानी जो हाथ के ऊपर एक रग होती है ना जिसके कट जाने से जो इंसान का इतना खून बहता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो मफहू आयत बता रहा हूँ याद नहीं लेकिन वो अल्लाह तरमाते तो दाएं हाथ को पकड़ेंगे मतलब अल्लाह तबी पे कोई गुस्सा कर रहा है माजल इसका यह मतलब नहीं है इसमें इस बात की शिद्दत बताई गई है कि दावत तबलीग का वो काम जिसपे अम्बे अल इस्लाम होते हैं वो चाह के भी उसमें कुछ कमी नहीं कर सकते कोता ही नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन ही मामला है ये वो मामला है जो अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला की बारगाह में इसका फैसला अटल हो चुका होता है कि रसूल ये ये अम्ब्या उम्मत तक पहुंचाएंगे मुमकिन ही नहीं है कि रसूल उन पैगाम में कुछ कमी कर दें मुमकिन ही नहीं यानी एक दाई देखिए किसी भी चीज़ को देखने का दो पहलू होता है ना एक तो दाई की हैसियत से जब जब इस बात को हम दाई की हैसियत से देखते हैं कॉलर टुवर्ड्स ट्रुथ की हैसियत से देखते हैं

फ्रीडम हासिल है अंबिया और रसूल को वो फ्रीडम हासिल नहीं होती ये मैं बताना चाह रहा हूं कोई इख्तियार नहीं हासिल होता कि वो दावत में कुछ कमी कर दें है ना बाकी लोगों को हासिल होता है भले वो इख्तियार के गलत इस्तेमाल पर उनसे पूछ हो जाएगी लेकिन जब वो गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे इख्तियार का तो इसकी उनको इजाजत इसकी उनको यानी या जैसे इंसान कोई गुनाह करना चाहे कोई नाफरमानी करना चाहे अल्लाह की तो नाफरमानी कर लेता है ना ऐसा तो नहीं उसी वक्त अल्लाह का अजाब आ जाता है हाँ आखिरत में उस पर पकड़ जरूर होगी उसी तरह कोई एक गैर नबी और गैर रसूल अगर कोई दाई होता है तो अगर वो दावती मामले में कुछ कोताही करता है जितनी उस पर वाजिब है उससे कुछ कम करता है, है ना या उसमें कुछ तगैय और तब्दीली करता है तो अल्लाह के यहाँ तो पकड़ा जाएगा लेकिन दुनिया के अंदर वो ये काम करने में सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि दुनिया में इख्तियारमल आज़ादी है अम्बिया रसूल के साथ ये आज़ादी नहीं होती दीन और शरीयत के मामले में ये बताना असल मकसूद है तो रसूलुल्लाह सम की जो मजबूरी थी यहाँ पे उसको भी वाज़ा करना है कि अम्बिया और रसूल में से कोई भी इस बात का इख्तियार नहीं रखता कि वो दावत व तबलीग में कोई कोताही कर दे अपने तौर पर ठीक है एक बात ये इसको देखने का दूसरा पहलू है लिहाजा जब रसोलम ने यह बात कही और आप ल्ण ल्ण की आंखों से आंसू जारी हुई तो अबू तालिब का दिल फिर से भर आया और उन्होंने यानी उन्होंने कहा कि यानी आप ल्ण 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 जब उठ के जाने लगे तो अबू तालिब ने आपको बुलाया वापस बुलाया और कहा कि भतीजे तुम कभी परेशान मत होना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा उसके बाद अबू तालिब ने दो अशार कहे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कहते हैं अल्लाह की कसम यानी तालिब कहते हैं के फॉर्म में कि अल्लाह की कसम ये लोग अपनी पूरी जमात के साथ भी तुम तक नहीं पहुंच सकते जब तक मैं मट्टी के अंदर दफन न कर दिया जाऊँ वी अमरी का मलई का लिहाजा मोहम्मद आपका जो जी चाहता है कीजिए आप जिस काम को कर रहे हैं ना उसको अच्छे से करते रहिए आपके ऊपर कोई मलामत नहीं है वह अब शर व कर का मिन का और आप खुश हो जाइए और आप मतम हो जाइए ताकि इसके ज़रिए से यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करने के ज़रिए से आपकी आँखें जो है ठंडी हो जाएँ गोया ये यानी तर्जुमा मैंने बस इसलिए कर दिया कि ताकि एक बात जो है सामने आ जाए कि क्या अबू तालिब ने कहा था वरना असल वज़न जो है वो यानी अशार का तर्जुमे में वजन नहीं होता तो बहरल अबू तालिब ने पूरा एश्योरेंस दिया दोबारा रसूल वसम को कि आप जो है परेशान ना हों और अपने काम को करते रहें और जब तक मैं मट्टी में दफन नहीं हो जाता हूँ ए मोहम्मद अलैहि आपकी नुसरत से आपकी मदद से मैं कभी अपने हाथ को पीछे नहीं खींचूंगा बहरहाल ये वाकया हुआ और फिर रसोल दावत तबलीग में लग गए अब कुछ वक्त और गुजरा तो कुरैश की तीसरी वफद जो है रसूल वसम के सॉरी अबू तालब की खदमत में हाजिर हुई तो ये तीसरी वफद जो है वह उसका जिक्र आज हम करेंगे और फिर चौथे जो मैंने बताया कि चौथा जो है वो हम तब करेंगे जब शेब अबू तालब और शेब अबी तालब और वो जो बाइकआट होगा बनू हाशिम का वो सारे वाक़ात जब गुजर जाएंगे अखीर वक्त अबू ताब का आएगा तो उस वक्त जो कुश हाजिर होते हैं अब तालब की खदमत में तो वो तो उस वक्त बात आएगी आज ये तीसरे की बात दो की बात हमने कर ली तीसरे की बात करते हैं तीसरा वफद जो है अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का आता है तो वो आपके सामने तर्जुकेर हो रहा है, तो है वाक बयान करता हूँ पिछली धमकी के बावजूद जब क्रैश ने देखा कि रसुल्ला अपना काम किए जा रहे हैं तो इनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब ने अबू तालिब रसोल को छोड़ नहीं सकते यानी कुरैश ने यह बात समझ ली अबू तालिब जो है और तैयार कि अबू तालिब के लिए मोहम्मद का सपोर्ट करना ज्यादा बड़ी बात है अगरचे इसके नतीजे में पूरे कुरैश से उन्हें जंग लड़नी पड़े चुनानचा वह लोग वलीद बिन मुगैर के लड़के उमारा को हमराह लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और इनसे यू आज किया अब ये बात समझ लीजिए कि ये तीसरा जो यानी पहला तो मैंने बताया था कि बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में बातें हुई दूसरी में थोड़ी धमकी आमेज बातें थी उस पर अबू तालिब थोड़े से कुछ मुतजल हुए रसोन से बातें की और फिर रसोसन ने जो जवाब दिया तो उसके नतीजे में फिर अबू तालिब का दिल पलटा और अबू तालिब ने बड़े मजबूती से कहा कि हम आपकी नुसरत को हमेशा तैयार तो ये दूसरा ये तीसरा वाक़ हुआ अब इसमें फिर प्रपोजल वाला एक तरीका है यानी पहले में डिप्लोमेटिक था दूसरे में धमकी थी तीसरे में एक कॉन्क्रीट प्रपोजल लेके जो है वो कुरैश अबू तालिब के सामने हाजिर हुए प्रपोजल क्या था शॉर्ट में समझ लीजिए कि उमारा जो था वलीद बिन वगैरह का बेटा था बड़ा हसीन कुत वाला और बहुत ही मजबूत नौजवान था ये तो उमारा को लेके कुरैश जो है वो हाजिर हुए अबू तालिब के पास और कहा कि अब ये ट्रेड के अंदाज़ में इन्होंने कहा कि अबू तालिब ये उमारा है वलीद बिन वगैरह का बेटा है हम चाहते हैं कि इसे आप अपने पास रख लें और अपना बेटा बना लें और इसके बदले में मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें ठीक है तो आपको किसी बेटे की कमी भी नहीं होगी यानी एक यानी उनके कहने का मतलब ये था कि आप जो है वो उमारा को अपने पास रखें और वलीद ने यानी वलीद इससे यानी वलीद बिन वगैरह अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लेगा और आप इसको बिल्कुल अपने बेटे के तौर पर पारें पालें और आप अपना बेटा यानी मोहम्मद जो है वो हमें दे दें ताकि हम मोहम्मद को कत्ल कर दें तो अब यानी जो बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ते हैं तो क्या कहा कुरैश ने कि ए अबू तालिब ये कुरैश का सबसे खूबसूरत नौजवान है आप इसे ले लें इसकी दयत और नुसरत की आप हकदार होंगे यानी मोहम्मद को जब हम कत्ल करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए होगा तो हम इस बच इस लड़के को आपको दे रहे हैं आप इसको अपने पास रखें और इसको अपना बेटा बना लें ठीक आप इसे अपना लड़का बना लें ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें यानी मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबाओ, के दीन की मुखालफत की है आपकी कौम का शराजा मुंतशिर कर रखा है और इनकी अकलों को हिमाकत से दो चार बतलाया है हम इसे कत्ल करेंगे बस बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है तो कुरैश ने कहा कि देखिए यानी इंसान के बदले इंसान है तो आप अपना भतीजा हमें दें हम उसे कत्ल कर दें और आप इसे अपना बेटा बना लें आपको बेटे की कमी भी नहीं होगी ह्यूमन पावर की कमी भी नहीं होगी और ये ज़्यादा यानी बड़ा खूबसूरत तो और बहुत ताकतवर नौजवान है इसको अपने पास रखें सारी खूबियाँ इसके अंदर मौजूद अबू तालिब ने कहा कि खुदा की कसम कितना बुरा सौदा है कि जो तुम लोगों ने जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे खिलाओ खिलाऊँ पिलाऊँ पालों पूछूँ और मेरा बेटा मोहम्मद मुझसे तलब करते हो कि तुम उसे कत्ल कर दो खुदा की कसम ये नहीं हो सकता अब जरा देखें बिल्कुल सही बात कही अब वो तालि बड़ी अकलमंदी की बात कही कि तुम अपने बच्चे को हमारे हवाले करते हो कि मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँ और इस इसको अपना बेटा बना लूँ और इसको अपनी विरासत का हिस्सा दे दूँ और जितनी सारी प्रिवेलेज हैं सब इसको मिल जाएँ और हमारे बेटे को तुम मुझसे मांग रहे हो कि उसे कत्ल कर दो ये कौन सा सौदा है ये कहाँ से इंसाफ की बात है इस पे नौफल बिन अब्दी मनाफ नौफल बिन अब्दिन मनाफ का पोता मत बिन अदी मतम बिन अदी का नाम याद रखेंगे आगे ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा अभी जहाँ पर इसने नेगेटिव रोल प्ले किया है लेकिन ताइफ़ के बाद एक मौका आएगा जहाँ पे ये मतम बिन अदी एक पॉज़िटिव रोल प्ले करेगा और रसलोल वसम की मदद करेगा इसका नाम आप याद रखें और इससे रिलेटेड जब हम वाकए पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत विजडम के कुछ पॉइंट्स हैं जो वहाँ समझेंगे मतिन बिन अदी इसका नाम याद रखें मतम बिन अदी ने कहा कि खुदा की कसम तालिब तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ़ की बात कही थी और जो सूरत तुम्हें नागवार है यानी तुम्हारा बच्चा अगर हम बिना पूछे तुमसे कत्ल कर दें तो भी तुम हमें रोक नहीं पाओगे लेकिन तुम्हारी नागवारी को अवॉइड करने के लिए हम अपने बच्चे को जो है तुम्हें दे रहे हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम उनकी बात कबूल नहीं करना चाहते जवाब में अबू तालिब ने कहा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की बल्कि तुम मेरे साथ छोड़कर मेरी मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले हुए हो ठीक है तुम्हारा जो जी चाहता है करो इस पर तालिब ने बड़े दो टुक अंदाज में बिल्कुल वाजह बात की बड़ी अकलमंदी की बात की कि, कि कुरैश का प्रपोजल इंसाफ से भड़ा थोड़ी था ए, अगर अगर वो अपने बेटे उमारा को देते कि अबू तालिब आप उमारा को कत्ल कर दीजिए हम मोहम्मद को कत्ल कर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी गलत होता लेकिन कम से कम वो दुनियावी एतबार से उनके अपने कानून के एतबार से जो है इंसाफ़ की बात होती हम नहीं कहते कि वो इंसाफ़ की बात होती लेकिन उनके अपने कानून के हिसाब से वो इंसाफ़ की बात होती लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा बल्कि अपना अच्छा नौजवान अबू तालिब के हवाले किया और कहा कि आप इसको अपना बेटा बना लें और इसको सारे प्रिविलेज और सारे जो पालने पोसने के सारा मामला वो आप देखें और मोहम्मद को हमारे हवाले करें ताकि हम उसे कत्ल कर दें सल्ला वसल्लम। लिहाजा अबू तालिब ने बेहतरीन जवाब दिया और क्रैश को जो है भगा दिया अपने पास से बारा लेकिन इस वाक़े के बाद कुरैश को समझ में आ गई बात कि तालिब जो हैं वो मानने वाले नहीं है अब ना, ना मानने वाले हैं ना मोहम्मद को हमारे हवाले करेंगे लिहाजा मोहम्मद को अगर अब हमें कत्ल करना है तो अबू तालिब की मुखालफत करते हुए अबू तालिब से लड़के कत्ल करना होगा दूसरी तरफ अबू तालिब इस बात को भाप चुके थे बहुत से वाकत पर गौर कर करके अबू ताब को ये बात समझ में आ गई थी कि अब ये कुरैश जो है अपनी बदतमीजी पे और रसूलुल्लाह रसोल की मुखालफत पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की हर कोशिश करेंगे हालांकि अबू तालिब को ये इतमिनान था कि चलो हमज़ा और उमर की मौजूदगी में एक मजबूत प्रोटेक्शन हासिल है लेकिन अगर कोई अचानक रसोल वम पे हमला कर देगा और अचानक कत्ल कर देगा और चाल चल के और प्लानिंग करके कत्ल कर देगा तो हर वक्त हमज़ा और उमर मौजूद नहीं हो सकते ना तो और फिर अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है अगर दस बीस के नौजवान एक दफा तलवार लेकर बेवकूफ़ आदमी बहुत अकलमंद आदमी थे, थे और आप के बारे में मजदूर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस थे और जबान वगैरह पर बड़ी दस्तरस थी और सम के तारीफ में अशार कहा करते थे है ना बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे अशार और बहुत ही बलीग लाइन्स uh, ऑफ़ जो है पोइटरीजू तालिब रसूल वसम की तारीफ़ में लिखा करते थे मतलब लिखा तो नहीं यानी अरब जो है बोलता था अशार वो लिखता नहीं था बोलता था तो अबू तालिब के बहुत सारे अशार जो हैं सीरत इसहाक वगैरह में बाबत दर्ज हैं कि अबू तालिब ने रसूल वसम की तारीफ़ में जो अशार के हैं वो बहुत ही यानी कि यानी जो सीनियर अरबिक स्टडीज जब लोग करते हैं ना तो उन उनार को पढ़ाया जाता है यानी दोज लाइन्स ऑफ पोइट्रीज आर वेरी फ्रॉम uh, बलागत पॉइंट ऑफ व्यू वेरी यानी बहुत अच्छे लेवल पे हैं और लैंग्वेज की में उसको पढ़ाया जाता है तो यानी और पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी अबू तालिब तो अबू तालिब ने ये सारी बातें भाप ली थी और अकलमंदी से इस बात को समझते थे कि मोहम्मद के प्रोटेक्शन का वक्त आ गया है और तनहा में प्रोटेक्शन नहीं कर सकता लिहाजा अबू तालिब ने जो है बनू हाशिम को पूरे के पूरे बनु हाशिम कबीले को जमा किया यानी हाशिम की औलाद जितनी सबको जमा किया औलाद को भी दादा थे। वो है जो हाशिम के भाई थे खानदान और हाशिम का खानदान यानी बनु हाशिम और बनु मुतलिब को जमा किया है ना और तो जमा करने के बाद अबू तालिब चूंकि सरदार थे इस पूरे दो बड़े लाइन ऑफ फैमिली के तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद की प्रोटेक्शन अब हमारी जिम्मेदारी है यहीं पे उन्होंने बात कही थी कि रसूलुल्लाह रसुल्लाम के प्रोटेक्शन के लिए जो है हम अपनी औलादों की लाशें बिछा देंगे तो बनू मुतलिब बनू हाशिम में बहुत बड़ी तादाद थी उन लोगों की जो मुशरकिन थे जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे जो अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लेकिन कबायली हमीयत और खानदानी प्रोटेक्शन का जज्बा उनके अंदर इतना था कि तमाम बनु हाशिम, तमाम बनु मतलब इस बात में मुतफिक हो गए कि हम अपनी जाने दे देंगे लेकिन मोहम्मद को कुरैश के हवाले नहीं करेंगे और कुरैश को कत्ल नहीं करने देंगे मोहम्मद को बल्कि कुरैश अपना हाथ भी नहीं डाल सकते मोहम्मद के ऊपर सलोल्ला वसम लिहाजा अल्लाह त करनी थी अल्लाह तीस कबायली असबियत का इस्तेमाल करके रसूल वसम के फेवर में और कुछ हद तक यानी जो एक फैमिली के बेसिस पे हमियत थी कुरैश यानी अरब के सोसाइटी के अंदर उसका इस्लाम को फायदा भी पहुँचा है इस पर अगर आप गौर करेंगे और हम पहले भी एग्जाम्पल्स दे चुके हैं आगे भी देते आएंगे तो ये जो एक फैमिली लेवल पे स्मॉल स्केल असबियत थी ना उसका फायदा भी इस्लाम को पहुंचा है काफ़ी तो इसके नतीजे में क्रैश सॉरी बनु हाशिम बनु मतलब दोनों में एक मजमू अबू तालिब के हाथ पे बैत की और मजमू एक बात तय हो गई कि हम मोहम्मद के प्रोटेक्शन के लिए अपनी और अपनी औलादों की जान खपा देंगे सल्म तो इस बात के बाद अबू तालिब के दिल को थोड़ा सा इतमान हुआ और अबू तालिब ने ये डिसाइड किया कि मक्के के आम वादी के अंदर और आम क्रैश के महलों में रहना जो है अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि कभी भी कोई किसी वक्त भी कहीं से भी आके अटैक कर सकता है और अटैक के वाक़ हो चुके थे तो खुदा नख्वास्तें अगर कोई यानी जरूरत करके मोहम्मद को कत्ल कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में भले हम जंग करते रहेंगे लेकिन हम मोहम्मद को खो देंगे सल्लाम ये अबू तालिब सोच रहे थे लिहाजा अबू तालिब ने ये प्लान किया कि जो मक्के की जो आउटर एरिया में कुछ वादियाँ थी जो बनु हाशिब बनु के की ओनरशिप में थी है ना मक्के के स्कोर में नहीं थी बल्कि मक्के के आउटर रिंग पे थी जिसको शेबा अबी तालिब भी कहा जाता है शेबा अभी तालिब तो शेबा अभी तालिब की जो वादियाँ थी अब अबू तालिब ने इस बात को डिसाइड किया कि हम लोग सब लोग जो हैं वहीं जाके शिफ्ट हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए ताकि ये खतरा मोहम्मद जो इन खतरे के दरमियान ना रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब स्पेशली बनु हाशिम यानी बड़ी तादाद में जो है वहाँ जाके उस इलाके में उस वादी में वो कोई ऐसा इलाका नहीं था जिसमें घर बने हुए प्रॉपर और किराए पे उन्होंने मकान ले ऐसा नहीं था बदाब तो वादी थी लेकिन अरब चूंकि बड़ा मजबूत कौम थी ना तो वो हर किस्म की परेशानी और रेगिस्तानी इलाके में रहने की आदी थी तो ऐसा नहीं है कि वो अपना घर छोड़ के वादी में शिफ्ट हुए तो मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम प्रावलें होती प्रॉब्लम्स जो अपनी जगह होनी थी वही लेकिन चूंकि रफ एंड टफ होते थे तो ये लोग फौरन ही तैयार हो गए और रसलोम और यानी जो बनू हाशिम के करीबी लोग थे एक बड़ा तबका बनू हाशिम का शेबा अभी तालब में जाके उस वादी में जाके जो है वो टेंट वगैरह लगा के वहीं रहने लगा तो मैं इमेज के जरिए आपको दिखाता हूँ ये आपको मक्का की अभी एरियल फुटेज है अभी के जमाने की ये आप देख रहे हैं मेरे माउस को अगर ध्यान से देखें तो ये आपको काबे शरीफ दिख रहा होगा ये हरम की बा... ये मस्जिद हरम आपको दिख रही होगी ठीक है अब तो ये बहुत एक्सपैंड हो चुकी है लेकिन पहले इतनी बड़ी नहीं थी हरम शरीफ रसूल रसोसम के दौर में तो ये गोया के मक्का का सेंट्रल इलाका है जिसपे मैं माउस होवर कर रहा हूँ ये आप देख रहे हैं कि नहीं ये जो येलो राउंड सर्कल बना हुआ है ये है शेबा अब तालिब यहाँ ये वादियां जो हैं यहाँ जाके बनो हाशिम जो है वो टेंट वगैरह लगा के रहने लगे और रसूल रसम की प्रोटेक्शन के लिए अबू तालिब ने इस बात को डिसाइड किया था कि यहाँ जाके ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो ये एरियल फुटेज है ये टावर है जो आप जानते हैं बड़ा मशहूर टावर है ये एक्चुअल में ये वैली कुछ ऐसी है इसका एक शॉर्ट व्यू आपके सामने दिख रहा होगा अभी प्रेजेंटली ये ऐसी है अब तो इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो गई और रहने वहने का बहुत अच्छा इंतजाम हो गया लेकिन उस जमाने में नहीं था बहुत ही उबड़ खाबड़ वैली थी और यहाँ पे खाने पीने का भी कुछ ना उगता था ना कोई इंतज़ाम था और चारों यानी मक्का से थोड़ा सा आउटसाइड था तो कबाइल वगैरह जो ट्रेड वगैरह के लिए आते थे वो इस इलाके में नहीं आते थे तो इस इलाके में नहीं आते थे तो थोड़ी प्रॉब्लम आगे चल के जो होनी है वो हम आपको बयान करेंगे जब बनु बनु हाशिम का मुकम्मल बाइकॉट करने का कुरैश डिसाइड करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आती है इस इलाके में रहने की वजह से वो इनशा नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आ जाएगा तो ये इमेज है जो मैं चाहता हूँ कि बार ज़रा आप देख लें ये एरियल व्यू में ये इलाका है और अगर नीचे से देखा जाए तो ये इलाका है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इनशा जो इस यानी जब शेब अबी तालब में शिफ्ट हो जाए हो गए हाशिम तो और कुरैश ने इस बात को जान लिया कि अबू तालिब किसी भी हाल में जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद को हवाले कर दें और सिर्फ अबू तालिब नहीं अब पूरा का पूरा बन हाशिम और बनो मतलब इस बात पे यानी कि मुतहद हो गए हैं कि मोहम्मद की प्रोटेक्शन करेंगे लिहाजा कुरैश के गुस्से और उनकी बौखलाहट आसमान पर पहुँच गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है बन हाशिम का और बन मतलब का मुकम्मल बाइक करेंगे उनसे ना ट्रेड करेंगे ना उनसे निकाह करेंगे ना उनको खाना देंगे ना उनसे मुलाकात करेंगे ना उनको पास किसी कबीले को ट्रेड करने देंगे है न तो वो 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 ये वो ज़माना था जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना नहीं था आज भी अगर बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाए किसी ख़ास इलाक़े में आबाद लोगों का और उनके साथ ना ट्रेड किया जाए ना उनको गल्ला दिया जाए और वो ऐसी ज़मीन भी नहीं थी जहाँ वो खुद खेती करके कुछ उपजा सकते थे तो जाहिर है कि उनकी हलाकत का सबब बन सकता है, है ना और उस ज़माने में ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत यानी किसी फैमिली को हलाक करना होता था तो उनका मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाता था, था तो फिर ना उससे उनसे कोई ट्रेड कर रहा है ना उनके पास खाने की कोई चीज है ना उनके बच्चों के लिए पीने का दूध है ना उनके पास कोई जानवर है ना उनसे कोई शादी ब्याह कर रहा है यानी हर किस्म का जो सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट पॉसिबल था वो बनो हाशिम का और बनो मुतलब का कुरैश ने किया जबकि बनो हाशिम और बनो मुतलिब शेबाबी तालब में रह रहे थे तो ये बाइकआउट कैसे वजूद में आया इसके लिए क्या एग्रीमेंट्स हुए कुरैश कैसे इस बात पर मुतफ़ हुए कि पूरे के पूरा यानी इन इनका बाइकआट किया जाए और किन किन चीज किन किन बातों का बैकआउट किया जाए तो ये सारी चीज़ें कैसे वजूद में आई वो ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ अगला लेक्चर इसी बाइकआउट का यानी बैकग्राउंड क्या था और फिर ये बाइकआट के नतीजे में बनू हाशिम पे बनू मतलब पे क्या असर हुआ और कितनी मुद्दत तक ये बाइकआउट चला और शेब अभी तालब में मुसलमानों की रसूल रसोसम की और बनो हाशिम बनो मतलब की जिंदगी कैसी थी उसकी भी थोड़ी तफसील बयान करेंगे और ये बात भी याद रख लीजिए कि बनो मतलब बनो हाशिम में बहुत से लोग अभी ईमान नहीं लाए थे लेकिन रसूल रसोसम के प्रोटेक्शन में सब लोग मुतफ़ हो गए थे तो ये भी बहुत बड़ा एजाज़ था जो बनो हाशिम बनु मतलब को हासिल था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव नॉट दे दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम एट दैट टाइम Still they were totally totally dedicated to protect बात, बात खत्म करता हूँ अब हमारा जो अगले कुछ लेक्चर्स होंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं मक्की जिंदगी के वो कौन कौन से है? एक ये शेबा अभी तालिब में जो मुसलमानों की का वक्त गुजरता है तकरीबन तीन साल और ये बाइकआट जो है तकरीबन तीन साल तक चलता है तो इसके ताल्लुक से एक बनु हाशिम का बैकआट के ताल्लुक से जो वाकयात हैं वो बयान करेंगे फिर ये बाइकआट कैसे ख़त्म हुआ वो भी बयान करेंगे फिर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बचते हैं वो वो बचते हैं कि अबू तालिब का और ख़दीजा रजील का इंतकाल इस बाइकआट के ख़त्म होने के बाद होता है जिसको आपज़म हज़म करार, करार दिया यानी गम का साल तो वो उससे मुराद किया है फिर रसुल्लम की कंडीशन और मुसलमानों की क्या कंडीशन रही अबू तालिब के इतकाल के बाद फिर ताइफ का जो सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वहाँ जो आपने मुश्किल झेली वो ताइफ से वापस आने के बाद जो है मुतइम बिन अदी जिसका जिक्र मैंने किया उसकी प्रोटेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की और उसके बाद मक्के के हालात कैसे रहे वो बयान करेंगे फिर वाक़ मराज जो है वो बयान करेंगे और उसके बाद फिर हिजरत की राहें जो खुलती हैं मदीने के लिए वो किस तरह से उसका प्लेटफॉर्म और बैकग्राउंड बनता है और किस तरह जो है वो बैत होती है मदीना के साथ ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मक्की ज़िंदगी के बचते हैं अब हम धीरे धीरे करके मक्की ज़िंदगी के अखीर दौर में और पहुँच रहे हैं और इम्पॉटेंट वाक़ जो है अब कवर करके फिर इन श्ल्ल हम बंदी दौर में दाखिल होंगे तो यही सब बातें थी इन श्ल्ला यहीं पर अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ और अल्लाह ताली से दुआ करता हूँ कि जो ख़ता हो गई आज बोलने में अल्लाह ताली उसको माफ़ कर दे और जो सही बात ज़ाहिर हो गई अल्लाह ताली जो है वो उसके ज़रिए से हमारे दिलों के अंदर रसोल्ल वसम की मोहब्बत और इस्लाम की आज़मत और अल्लाह ताली की मोहब्बत और आजमत जो है पैदा फरमाया अमीन या अबालमीन अब मैं इन ताला दो तीन मिनट आप लोगों के सवाल जवाब ले लूँगा अल्लाक वरहमल वर्का